हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज के लेक्चर में हम आपको कंस्ट्रक्शन सिखाएंगे एनालिटिक फंक्शन का, है ना, बाय मिलनेज थॉमसन मेथड। अगर लास्ट लेक्चर्स की बात करूं तो हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कंजुगेट निकालने के बाद हमने वहां पर भी एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन किया था, जो लास्ट में जब हम x प्लस आई वाई की फॉर्म में उसको लेकर आते हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लास्ट में, तो उससे थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन जो मिलनेज थॉमसन मेथड आज हम एनालिटिक फंक्शन के लिए पढ़ेंगे, ये हमारा काफ़ी यूजफुल है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ईजिली क्वेश्चन इससे हो भी जाता है, है ना। तो हम आज एनालिटिक फंक्शन को बनाना सीखेंगे बाय मिलनेज थॉमसन मेथड। अगर मिलनेज थॉमसन मेथड की बात करें तो ये मैंने स्क्रीन पर लिखा है, मिलनेज थॉमसन मेथड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी। मिलनेज थॉमसन मेथड को हम यूज करते हैं एनालिटिक फंक्शन को बनाने के लिए, और एनालिटिक फंक्शन आपका होता है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, जहाँ पे यू और वी जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं इस एनालिटिक फंक्शन के। अब मिलनेज थॉमसन मेथड के ना चार केस हमारे होते हैं टोटल, है ना। दो केस आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा और दो केस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फर्स्ट दो केस जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कौन से हैं, इसमें पहले दो केस ये होते हैं, यदि आपको फंक्शन का एफ जेड का रियल पार्ट दिया हो तो उसके द्वारा हम कैसे एनालिटिक फंक्शन को बना सकते हैं। दूसरा केस होगा आपका, यदि आपको इमेजिनरी पार्ट वी दिया हो तो उसके द्वारा आप एनालिटिक फंक्शन को कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला केस मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। पहला केस ये होता है, यदि आपको रियल पार्ट जो है यू एक्स वाई, ठीक है, ये गिविन हो, इसके द्वारा हम एनालिटिक फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन को इसके द्वारा बनाना है तो पहली स्टेप हमारी यहाँ पर ये होती है कि हमें फाइंड करना होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी जो आएगी उसको हम फाई वन फंक्शन मान लेंगे से, इसको हम फाई वन फंक्शन मान लेते हैं। फिर हमें फाइंड करना होता है यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू, और इसको हम फाई टू फंक्शन मान लेंगे से, ओके। तो इन दोनों को फाई वन और फाई टू फंक्शन मानने के बाद फिर हमें फाइंड करना होता है यहाँ पर फाई वन एक्स वाई और फाई टू एक्स वाई से फाई वन जेड जीरो की वैल्यू एंड फाई टू जेड जीरो की वैल्यू। तीसरी स्टेप में ये कैसे निकलेगी, क्लियर सी बात है कि x को हमें जेड रखना पड़ेगा और y को हमें क्या रखना पड़ेगा, जीरो। तो बाय रिप्लेसिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, बाय रिप्लेसिंग x बाई जेड एंड y बाई जीरो, ठीक है। ऊपर हम क्या करेंगे, x को z रख देंगे फाई वन फाई टू में और y को जीरो रख देंगे, तो ये आपको फाई वन जेड जीरो फाई टू जेड जीरो की वैल्यू निकलेगी। और फिर लास्ट में हमारा जो है एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला, एफ जेड इक्वल टू होता है आपका इंटीग्रेशन फाई वन जेड जीरो, सॉरी फाई वन पॉइंट फॉर्म में लिखना है फाई वन जेड जीरो माइनस आई फाई टू जेड जीरो, ठीक है। और प्लस एक यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमें ऐड करना होता है, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर लिखा है एफ जेड को कंस्ट्रक्ट करने का फाई वन और फाई टू की हेल्प से हम फाइंड कर देंगे। फॉर्मूला होता है आपका फाई वन जेड जीरो माइनस आई फाई टू जेड जीरो डी जेड और प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। चलिए इस फॉर्मूले को, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए मैं आपको एक क्वेश्चन में बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, जेड की टर्म में हमें फंक्शन निकालना है हुज रियल पार्ट इज, जिसका रियल पार्ट आपको गिविन है। रियल पार्ट अगर दिया है तो इसका मतलब आपको यू गिविन है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे लेट, हम इसको यू के इक्वल मान लेते हैं जो हमें गिविन है, ई की पावर माइनस एक्स, और ये आपको दिया है एक्स साइन वाई और माइनस वाई कोस वाई, ये हमें यहाँ पर गिविन है। तो अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे, ऊपर मैंने बताया था कि आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर यू का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। चूंकि दोनों फंक्शन एक्स के है तो बाई पार्ट करना पड़ेगा, बाई पार्ट कैसे होगा, ई की पावर माइनस एक्स को एज इट इज करेंगे पहले, है ना, और ये जो अंदर है हमारा एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर एक्स साइन वाई का डिफरेंशिएशन आप करते हो तो एक्स साइन वाई का डिफरेंशिएशन करते समय आपको पता है कि एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे, स्वीट, जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हुए y कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर मैंने साइन y को कांस्टेंट रखा और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 x के रेस्पेक्ट में, है ना, और फिर माइनस y cos y आपका सारा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। फिर प्लस, इस बार हम x sin y
और माइनस वाई कोस वाई को एज इट इज रखेंगे और ई की पावर माइनस एक्स का कर देंगे डिफरेंशिएशन। ई की पावर माइनस एक्स का होता है ई की पावर एक्स और माइनस वन, ठीक है। तो ये बाईपार्ट इंटीग्रेशन, सॉरी बाईपार्ट डिफरेंशिएशन हमने किया, बाई पार्शल डिफरेंशिएशन जिसको हम कहेंगे, और ये हमें देगा वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई, और नेक्स्ट टर्म से आपको मिलेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, और इसको हम मान लेंगे फाई वन एक्स वाई के इक्वल, ठीक है। सी हमने इसको किसके इक्वल माना, फाई वन एक्स वाई के इक्वल अकॉर्डिंग टू रूल। अब हम डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे। अगर आप डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करते हो तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा पार्शियली, तो ई की पावर माइनस एक्स तो कांस्टेंट रहेगा और अंदर जहाँ जहाँ पे वाई की फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन होगा और एक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा वाई के रेस्पेक्ट में। तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, साइन वाई का हो जाएगा आपका कोस वाई, और फिर जब वाई कोस वाई का करेंगे तो माइनस वाई को एज इट इज़ कोस वाई का साइन वाई, और साइन वाई करेंगे तो एक माइनस और आएगा तो ये प्लस हो जाएगी टर्म हमारी, है ना। और फिर माइनस कोस वाई को एज इट इज़ रखेंगे और वाई का हो जाएगा वन, ठीक है। तो यदि आप वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये टर्म हमें यहाँ पर मिलती है, ओके। और जिसको हम किसके इक्वल मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे फाइव टू एक्स वाई के इक्वल अकॉर्डिंग टू रूल, तो ये फाइव टू एक्स वाई हो जाएगा। फिर रूल में मैंने आपको ये बताया था कि एक्स को हम जेड रखेंगे और वाई को हम जीरो रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पुट एक्स इक्वल टू जेड एंड वाई इक्वल टू जीरो इन फाइव वन एंड फाइव टू। फाइव वन और फाइव टू दोनों फंक्शन में एक्स को जेड और वाई को जीरो रखेंगे, वी गेट। पहले फाइव वन से देखते हैं क्या मिलेगा। यदि आप फाइव वन फंक्शन में एक्स को जेड और वाई को जीरो रखते हैं तो फर्स्ट टर्म से मिलेगा आपको e की पावर माइनस जेड साइन जीरो, है ना। फिर x को z, y को जीरो रखने पर e की पावर माइनस जेड और ये z साइन जीरो, और ये आपको देगा माइनस जीरो कोस जीरो। ये कंप्लीट वैल्यू मिलेगी x को z, y को जीरो रखने पर। चूँकि आपको पता है साइन जीरो तो जीरो हो जाएगी सारी टर्म, है ना। केवल आपको आपको यहाँ पर कोस जीरो की वैल्यू वन मिलेगी, है ना। और सभी टर्म जो है, पहली टर्म भी जीरो हो जाएगी साइन जीरो से, दूसरी टर्म भी जीरो हो जाएगी, और जीरो की मल्टीप्लाई कोस जीरो के साथ है तो वो भी जीरो होगी। तो आपको जो फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू मिलेगी वो इक्वल आएगी जीरो के। इसको एक बॉक्स में ले लेते हैं ताकि इसका हम आगे यूज कर सकें। अब हम जो फाइव टू है उसमें भी हम एक्स को जेड और वाई को जीरो रखते हैं तो वो देगा आपको डेल यू अपॉन डेल वाई, सॉरी फाइव टू एक्स वाई, फाइव टू, और एक्स को जेड रखना है, y को हमें जीरो रखना है, तो x को z रखा, y को जीरो रखा उसमें भी। यदि x को z और y को जीरो रखते हैं तो e की पावर माइनस जेड, और ये मिलेगा z cos जीरो और प्लस जीरो साइन जीरो और माइनस cos जीरो। और यदि आप इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो e की पावर माइनस जेड, है ना, और cos जीरो की वैल्यू वन होती है तो z साइन जीरो की वैल्यू जीरो से सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी, cos जीरो की वैल्यू वन। तो ये आपको मिलेगी किसकी वैल्यू, फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू। इसको भी एक बॉक्स में ले लेते हैं ताकि इसका हम आगे यूज कर सकें, ठीक है। तो ये फाइव वन जेड जीरो, फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू हमने फाइंड की, है ना। अब हम मिलनेज थॉमसन मेथड यूज़ करके यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, बाई मिलनेज थॉमसन मेथड, बाई मिलनेज थॉमसन मेथड। यदि मिलनेज थॉमसन मेथड की बात करें तो जो हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा, एनालिटिक फंक्शन इज, वो होगा हमारा एफ जेड इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो ऊपर बताया था, इंटीग्रेशन फाइव वन जेड जीरो माइनस आई फाइव टू जेड जीरो और डी जेड प्लस एक कांस्टेंट सी, है ना। तो यहाँ पर ऊपर से वैल्यू रख देंगे, फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू जीरो है तो फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, और सेकंड टर्म है e की पावर माइनस जेड जेड माइनस वन, ठीक है। उसमें से हम माइनस आई को बाहर ले लेंगे कांस्टेंट की तरह, और इंटीग्रेशन के अंदर मिलेगा आपको e की पावर माइनस जेड और जेड माइनस वन डी जेड प्लस सी, वैल्यू रखने पर ये मिलेगा। अब हमें इसका जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो जेड माइनस वन को मैंने पहले लिखा और e की पावर माइनस जेड को मैंने आगे लिखा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन हमें मानना है, फर्स्ट फंक्शन या सेकेंड फंक्शन। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, माइनस आई बाहर रहेगा और जेड माइनस वन को
फर्स्ट फंक्शन मानते हुए एज इट इज़ e की पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस जेड अपॉन माइनस वन आएगा, फिर जेड माइनस वन का डिफरेंशिएशन वन आएगा और e की पावर माइनस जेड का दो बार इंटीग्रेशन कर देंगे जो कि आपको ये मिलेगा, प्लस एक कॉन्स्टेंट आपका हो जाएगा c। तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन की आईलेट लगाकर ये आपको मिलेगा माइनस आई, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा वन माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड, एंड ये हो जाएगा आपका माइनस ई की पावर माइनस जेड और प्लस सी। ठीक है, अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो ई की पावर माइनस जेड से ई की पावर माइनस जेड कट जाएगा और अंदर से आपको मिलेगा माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड प्लस सी। मल्टीप्लाई करने पर e की पावर माइनस जेड से e की पावर माइनस जेड कटेगा और आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट योर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू आई जेड e की पावर माइनस जेड प्लस सी। तो यही हमारा यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर u दिया है तो इस तरीके से आप एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना ईजिली आप यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन को बना सकते हो बाई यूजिंग मिलनेज थॉम्सन मैथड। चलिए इसके दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें भी आपको रियल पार्ट दिया है तो ये जो गिवन है आपको रियल पार्ट ये उठा लेते हैं हम। यू आपको दिया है एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की पावर फोर, ये हमें गिवन है। इसको हमें हार्मोनिक दिखाना है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड भी आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो हार्मोनिक दिखाने के लिए तो आपको पता है कि सेकेंड ऑर्डर तक डेरीवेटिव निकालने पड़ेंगे इसके, है ना। तो हम इसके दोनों डेरीवेटिव निकालते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो x की पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होगा 4x की पावर 3 और माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर का होगा 12x, y स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा और y की पावर 4 का 0 हो जाएगा, है ना। एंड डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अगर आप यहाँ पर फाइंड करोगे तो x के रिस्पेक्ट में दोबारा करने पर ये मिलेगा आपको 12x स्क्वायर, है ना, और माइनस 12y स्क्वायर, जिसको मैं इक्वेशन नंबर इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2, ताकि आगे यूज कर सके। फिर हमें निकालना है यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि यू का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की पावर 4 का 0 हो जाएगा, है ना, और माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा वाई के रेस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y एंड वाई की पावर 4 का होगा 4y की पावर 3। और अगर आप इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हमें फाइंड मिलेगा, है ना, फाइंड हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको वाई के रेस्पेक्ट में दोबारा करने पर, ये आपको देगा वाई के रेस्पेक्ट में माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है, कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई का 1 हो जाएगा और ये प्लस 12y स्क्वायर, है ना, जो कि आपका सेकंड टर्म का होगा डिफरेंशिएशन। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, है ना। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को आप ऐड कर दीजिए डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर के साथ में, तो आपको मिलेगा 12x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर। तो सभी टर्म्स हमारी कट जाएगी, ये वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो लाप्लास इक्वेशन है वो यू के द्वारा सेटिस्फाई हुई, और अगर यू के द्वारा सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हार्मोनिक है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यू सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, यू सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हैंस यू इज हार्मोनिक, यू इज हार्मोनिक, यू जो है हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। तो एक पार्ट प्रूफ हुआ। अब हमें एनालिटिक फंक्शन को बनाने के लिए, है ना, एनालिटिक फंक्शन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर डेल यू अपॉन जो डेल एक्स है उसको फाई वन मानना पड़ेगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है वो हमारा आया था 4x की पावर 3 माइनस 12x वाई स्क्वायर, इसको हम फाई वन एक्स वाई मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल से। और जो हमारा डेल यू अपॉन डेल वाई है इसको हम फाई टू मान लेते हैं, ये हमारा आया था माइनस 12x स्क्वायर वाई और प्लस 4y की पावर 3, इसको हम फाई टू एक्स वाई मान लेते हैं से। तो अकॉर्डिंग टू रूल चला हमने फाई वन और फाई टू माना। फाई वन फाई टू मानने के बाद आपको एक्स को जेड और वाई को जीरो रखना है। पुट एक्स इक्वल टू जेड एंड वाई इक्वल टू जीरो इन
फाइव1 एंड फाइव2। अगर आप फाइव1 और फाइव2 में एक्स को जेड और वाई को जीरो रखते हो तो आपको पहले वैल्यू मिलेगी फाइव1 जेड जीरो की। एक्स को जेड और वाई को जीरो रखने पर आपको फर्स्ट टर्म से मिलेगा 4z³, और सेकंड टर्म में चूंकि वाई को जीरो रखने पर वो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू आपकी आएगी एक्स को जेड वाई को जीरो रखने पर। वाई को जीरो रखने पर फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी और सेकंड टर्म से आपको मिलेगा 4, ये भी आपको वाई को जीरो रखने पर जीरो ही मिलेगा। तो सारी टर्म जो है आपकी जीरो हो जाएगी, तो फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू हमारी जीरो आएगी। अब हम मिलनेस थॉमसन मेथड से यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन को बना सकते हैं। नाउ बाई मिलनेस थॉमसन मेथड, अब हम यहाँ पर मिलनेस थॉमसन मेथड को अगर यूज करें तो फॉर्मूला आपका होता है एनालिटिक फंक्शन का एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव1 जेड जीरो माइनस आई फाइव2 जेड जीरो और डी जेड प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे। फाइव1 जो जेड जीरो की वैल्यू है वो 4z³ है, फाइव2 की वैल्यू जीरो है, तो सेकंड टर्म डी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर z³ का इंटीग्रेशन करेंगे z⁴/4, तो ये आपको फाइनली जो है z⁴+c मिलेगा जो कि एफ जेड के इक्वल है, ठीक है। और यही हमारा होगा एनालिटिक फंक्शन विच इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया, 2015 उत्तराखंड में भी कई बार पूछा गया है और सभी यूनिवर्सिटी में आता रहता है ना। अगर आप इसको हार्मोनिक कंजुगेट मेथड से करेंगे तो उसका एनालिटिक फंक्शन को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए देखो, आपने मिलनेस थॉमसन मेथड को इसलिए बनाया गया ताकि क्वेश्चन हमारे ईजी हो जाए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको यू को लेकर, है ना। डिटरमाइन द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड हुज रियल पार्ट इज दिस। रियल पार्ट आपको गिवन है, तो जो आपको रियल पार्ट गिवन है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर sin 2x / cos 2y और प्लस cos 2x, ये आपको गिवन है रियल पार्ट। अगर रियल पार्ट गिवन है तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा ∂u/∂x, यानी कि x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। चूँकि ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, तो इसको हम फ्रैक्शनल वाला फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। फ्रैक्शनल वाला फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर की पावर 2, यानी कि cos 2y प्लस cos 2x की पावर 2। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज, यानी कि cos 2y और प्लस cos 2x को हम रखेंगे एज इट इज, है ना। और sin 2x न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 × cos 2x। फिर न्यूमिनेटर को एज इट इज, यानी कि माइनस करके न्यूमिनेटर को एज इट इज, sin 2x को हमारा एज इट इज रखना पड़ेगा। और जब x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे cos 2y का, क्योंकि y का फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका जीरो आएगा, है ना। और फिर आपको करना पड़ेगा cos 2x का, cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है -2 sin 2x। तो ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा जिसमें हमें y को कॉन्स्टेंट रखना है। और यदि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलता है जब आप यहाँ पर फर्स्ट ऊपर जो आपका है न्यूमिनेटर में उसको सॉल्व करोगे, तो डिनोमिनेटर को तो मैं सेम ही रखता हूँ, है ना। न्यूमिनेटर में जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 2y × cos 2x तो हमारा सेम आएगा, और आगे मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2 cos²2x, ठीक है, 2 cos²2x। और अगली टर्म में माइनस माइनस प्लस होके वो मिलेगा 2 sin²2x, तो 2 कॉमन ले लेंगे और cos²2x और प्लस sin²2x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। तो इसको अगर आपने सॉल्व किया है तो सॉल्व करके आपको मिला है 2 cos²2y cos 2x और प्लस 2 cos²2y और प्लस cos²2x का होल स्क्वायर। इसको हम φ1xy के बराबर मान लेते हैं ताकि आगे इसको यूज कर सके अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये हमने ∂u/∂x फाइंड किया जो कि ये आया जिसको हमने φ1xy माना है, ठीक है। चाहे तो आप यहीं पर भी
आप x को जेड y को जीरो रख के वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने यहीं पर निकाल दी इसकी वैल्यू, पुट x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू जीरो इन फाई वन में वी गेट, इससे आपको जो है फाई वन जेड जीरो की वैल्यू मिल जाएगी। यहीं पर ही फाई वन जेड जीरो की वैल्यू हमें मिलेगी। यदि आप x को जेड और y को जीरो यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो ऊपर मिलेगा आपको टू कोस हाइपरबोलिक जीरो, इसकी वैल्यू हमारी वन हो जाएगी, और ये हो जाएगा कोस टू जेड और प्लस टू, और अपोन में मिलेगा आपको कोस हाइपरबोलिक टू वाई, मतलब जीरो रखना है, कोस हाइपरबोलिक जीरो आएगा और प्लस कोस टू जेड का होल स्क्वायर। कोस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू वन होती है, तो ऊपर भी हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वन प्लस, जस्ट वेट, यदि ऊपर में आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं, हम थे कहाँ पर, यहाँ पर यदि ऊपर में सॉल्व करते हैं तो टू तो आपका यहाँ पर रहेगा, और ये हो जाएगा आपका वन प्लस कोस टू जेड, और नीचे भी आपको मिलेगा ये वन प्लस कोस टू जेड का होल स्क्वायर। तो एक पावर कट जाएगी, ऊपर टू बचा रह जाएगा, और नीचे आपको मिलेगा ये वन प्लस कोस टू जेड, वन प्लस कोस टू जेड आपको मिलेगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, टू अपॉन वन प्लस टू कोस जेड को हम लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर जेड माइनस वन, फॉर्मूला यूज करके। तो वन से वन भी कट जाएगा, कोस वन से वन, टू से टू कट जाएगा, वन अपॉन कोस स्क्वायर जेड बनेगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी सेक स्क्वायर जेड। तो यानी कि आपने जो फाई वन जेड जीरो की वैल्यू निकाली है, इसको एक बॉक्स में ले लेते हैं ताकि इसका आगे यूज कर सके, इसकी वैल्यू आपने निकाली है सेक स्क्वायर जेड, फाई वन जेड जीरो हमारा निकल गया। अब हमारा काम है यहाँ पर फाई टू जेड जीरो को फाइंड करना, उसके लिए हमें यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा पार्शियली, ठीक है ना। एंड अब हम यहाँ पर निकालते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, यदि वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसमें भी जो आपको u दिया है वो दिया है साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2x। तो जब y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो साइन 2x तो कांस्टेंट होगा, इसको बाहर रखेंगे, और जो 1 अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस कोस 2x है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो देखिए साइन 2x को तो हमने बाहर रखा, और डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में किसका, वन अपॉन जो हमारा फंक्शन यहाँ पर बचा है, फंक्शन हमारा बचा है कोस हाइपरबोलिक टू वाई, है ना, और प्लस कोस टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। और तो साइन टू एक्स तो हमने बाहर रखा, है ना, और जब इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे तो डिनोमिनेटर की पावर टू हो जाएगी, यानी कि कोस हाइपरबोलिक टू वाई प्लस कोस टू एक्स की पावर टू हो जाएगी, ठीक है। एक माइनस वन आपको ऊपर मिलेगा, क्योंकि वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे कोस हाइपरबोलिक टू वाई का, कोस हाइपरबोलिक टू वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होगा साइन हाइपरबोलिक टू वाई और इनटू में टू। हमेशा ध्यान रखना कि हाइपरबोलिक को हमेशा हम साइन और कोस के साथ में मिला के रखते हैं, क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। तो ये आपको आपका मैंने लिखा साइन हाइपरबोलिक टू वाई, कोस हाइपरबोलिक टू वाई का डिफरेंशिएशन होता है, इसमें माइनस नहीं आता, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जो हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक का तो होता है कोस हाइपरबोलिक वाई, अगर वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, और अगर आप कोस हाइपरबोलिक वाई का करोगे तो वो भी आपका निगेटिव साइन नहीं देगा, वो भी आपका पॉजिटिव ही होता है, यह हाइपरबोलिक में होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, हाँ, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब कोस हाइपरबोलिक टू वाई का करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो टू साइन हाइपरबोलिक टू वाई आएगा, और कोस टू एक्स कॉन्स्टेंट है तो उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर मान लेंगे फाई टू एक्स वाई से, यदि इसको फाई टू एक्स वाई आप मानते हो तो इसमें हम x को z और y को जीरो रख लेते हैं, पुट x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू जीरो इन फाई टू, अगर x को z और y को जीरो रखते हैं तो वी गेट, इससे आपको फाई टू जेड जीरो की वैल्यू फाइंड होगी,
Φ2Z0 की वैल्यू हमारी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये साइन 2Z मिलेगा और यहाँ से आपको साइन 0 मिलेगा। साइन 0 की वजह से Φ2Z0 की वैल्यू, y को 0 रखने पर या आपको जो न्यूमिनेटर है 0 मिलेगा, तो आपको सारी वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो Φ2Z0 की वैल्यू 0 आएगी। ओके, अब हम मिलनेस थॉमसन मेथड को यूज़ करेंगे और एनालिटिक फंक्शन को बना देंगे। देन बाई मिलनेस थॉमसन मेथड, शॉर्ट में लिखता हूँ मिलनेस थॉमसन मेथड, वी गेट एनालिटिक फंक्शन, है ना। एनालिटिक फंक्शन हमें मिलेगा यहाँ पर, और एनालिटिक फंक्शन हमारा होगा Fz इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन Φ1Z0 माइनस आई Φ2Z0 प्लस सी। इसमें आप Φ1 की वैल्यू जो ऊपर निकाली थी आपने, वो थी sec स्क्वायर जेड, और Φ2 की वैल्यू 0 है, तो ये आपको खाली sec स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। और sec स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan जेड होता है, एंड दिस विल बी योर फाइनल एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा देखो हमने कितना इजीली मिलनेस थॉमसन मेथड को यूज करके हमने यहाँ पर जो है एनालिटिक फंक्शन को फाइंड किया है। ओके, तो हमने यू वाले केस के मैंने आपको 3 एग्जांपल कराए। अब मैं दूसरा केस यहाँ पर लेता हूँ, यदि आपको क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट वी दिया हो, व्हेन इमेजिनरी पार्ट VxY इज गिवन, तो इसमें यू की कंपेरिजन में थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। थोड़ा सा अलग क्या है, यू में तो आपने ∂u/∂x को Φ1 माना था और ∂u/∂y को Φ2 माना था, लेकिन यहाँ पर हम उल्टा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हमें फाइंड करना है यहाँ पर v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके उसको हमें Φ1 मानना है। Φ1 तो पीछे माना था, इसको हम क्या मान लेंगे, Φ1 फंक्शन यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, और फिर हम v का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इसको हम मान लेंगे sin 2। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैंने बताया। वहाँ पे तो हम ∂u/∂x को Φ1 मानते थे और ∂u/∂y को Φ2 मानते थे, लेकिन यहाँ पर आपको पहले y के रेस्पेक्ट में करना है उसको Φ1 मानना है, फिर x के रेस्पेक्ट में करना है उसको Φ2 मानना है, फिर वही काम आपको Φ1Z0 और Φ2Z0 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बाई पुटिंग x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0, x को जेड और y को 0 रखने पर ऊपर ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फिर लास्ट में हमारा जो है एनालिटिक फंक्शन का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, है ना, और वो फॉर्मूला आपका होता है Fz इक्वल टू Φ1Z0। ठीक है, सॉरी, फॉर्मूला होता है आपका इंटीग्रेशन Φ1Z0 और जो आपको u दिया था उसमें आपका माइनस था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्लस होता है, ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना इसको, Φ2Z0 और ये dz और प्लस एक कांस्टेंट c। तो यहाँ पर जो है हमारा, अगर आपको इमेजिनरी पार्ट v दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला, साइन वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया जिसमें आपको ∂v/∂y को Φ1 मानना है, ∂v/∂x को Φ2 मानना है, और ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है, इसमें प्लस साइन होता है Fz को निकालने में, और उसमें जो हमने पीछे पढ़ा था केस 1 उसमें माइनस होता है। तो डिफरेंस ध्यान में रखते हुए आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाया, फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो डैट द फंक्शन v इज हार्मोनिक, ऑल्सो फाइंड इट्स हार्मोनिक, सॉरी, ऑल्सो फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। तो पहले हम क्या करते हैं, जो आपको दिया है v फंक्शन वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। v फंक्शन आपको दिया है log x² + y² और प्लस x - 2y, ये आपको दिया है। तो v का हम पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, उसको Φ1 मानेंगे। y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, है ना, ये जो हमारा है इसमें हार्मोनिक भी दिखाना है ना, तो हार्मोनिक पहले दिखा देते हैं। v का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपको मिलेगा log x² + y² का होता है 1/x² + y² और x² + y² का जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x² कांस्टेंट है 0, y² का होगा 2y और प्लस x कांस्टेंट है 0 और -2y का हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा।
फिर हम यहाँ पर डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, यानी कि इसका एक बार और हमें यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा जो ऊपर आया है। ऊपर हमारा क्या आया है? ऊपर हमारा आया है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, जिसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँगा, क्योंकि आगे जब हम एनालिटिक फंक्शन बनाएंगे वहाँ पे भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसका हम y के रेस्पेक्ट में अगर दोबारा करते हैं, तो y के रेस्पेक्ट में दोबारा करने के लिए, चूँकि ऊपर भी y का फंक्शन है नीचे y का फंक्शन है, माइनस 2 का तो आपका 0 ही हो जाएगा, इसको तो मैं 0 लिख देता हूँ। तो इसमें आपका फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर की पावर 2, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे, न्यूमिनेटर का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2y का डिफरेंशिएशन होगा जो कि 2 आएगा, है ना, y के रेस्पेक्ट में, और माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज़, 2y को एज इट इज़, और हमारा डिनोमिनेटर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम कर देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का 0 होगा और वाई स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 2y। ओके, तो ये हमें मिलेगा। और यदि आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 तो हमारा बाहर कॉमन आएगा, और ये आपको देगा वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आपको मिलेगा, है ना। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगी, जिससे कि आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैल्यू, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको मैं इक्वेशन 2 डाल दूंगा। ठीक है, सेम तरीके से हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, एंड यदि आप वी का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हो, ठीक है, तो वी का एक्स के रेस्पेक्ट में लॉग का करेंगे, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होगा, वाई स्क्वायर का 0, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का 1 होगा। तो सॉल्व करके आपको मिलता है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और प्लस 1, जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, क्योंकि इसका यूज होगा आगे हमारा। फिर हम v का करेंगे दोबारा x के रेस्पेक्ट में, यदि दोबारा x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 1 का तो 0 हो जाएगा जो अलग है 1, और इसमें भी हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली टेक्निक लगाएंगे, डिनोमिनेटर की पावर 2, है ना, डिनोमिनेटर को एज इट इज़, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2, न्यूमिनेटर को एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, जो कि आपको 2x मिलेगा, वाई स्क्वायर का 0, है ना। तो ये हमारा 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यदि इसको भी आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी 2 कॉमन आएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर होगी, और वाई स्क्वायर प्लस का आएगा, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 4 डाल देंगे। हार्मोनिक दिखाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 और 4 को ऐड कर दो, ठीक है ना, फ्रॉम 2 and 4, अगर 2 और 4 को ऐड करते हैं तो डेल 2v अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2v अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका, वहाँ पर देखें तो LCM हमारा सेम होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, ऊपर आपका है 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और नीचे है 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, जो कि सब कटेगा और 0 आएगा, है ना। तो इससे आपको मिलता है डेल 2v अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2 वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू 0, और ये लाप्लास इक्वेशन हमारी होती है, अगर कोई फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, हार्मोनिक होता है, है ना। तो हम कह देंगे दिस इम्प्लाइज वी इज हार्मोनिक, ठीक है, वी जो है हमारा हार्मोनिक फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब एनालिटिक फंक्शन बनाने के लिए मैंने लेट किया, मैंने आपको रूल ऊपर बताया था, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो पहले v का y के रेस्पेक्ट में किया था उसको उठाएंगे इक्वेशन नंबर 1 से, वो है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, है ना, इसको हम मान लेंगे साई वन फंक्शन। ठीक है, फिर जो हमारा v का x के रेस्पेक्ट में हुआ है इक्वेशन 3 में, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, ये हमारा आया था 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1, इसको हम मान लेंगे साई 2। ध्यान रखना कि यहाँ पे उल्टा लेकर चलते हैं, y के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है उसको साई 1 मानते हैं, और x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है उसको हम यहाँ पर साई 2 मानते हैं। फिर हमारा काम है x को z और y को 0 रखने पर वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो पुट
एक्स इक्वल टू जेड एंड वाई इक्वल टू जीरो इन साइन वन एंड साइन टू। साइन वन और साइन टू में एक्स को जेड और वाई को जीरो रखेंगे तो इससे आपको जो है वैल्यू मिलेगी साइन वन जेड जीरो की। एक्स को जेड वाई को जीरो रखने पर, वाई को जीरो रखने पर फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी और सेकंड टर्म माइनस टू, यानी कि आपको माइनस टू ही मिलेगा। दूसरे फंक्शन साइन टू में एक्स को जेड वाई को जीरो रखने पर ऊपर मिलेगा आपको टू जेड अपोन जेड स्क्वायर प्लस जीरो और प्लस वन, और आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट टू अपोन जेड प्लस वन। तो ये जो है हमारी वैल्यू होगी। अब हम एनालिटिक फंक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं, और एनालिटिक फंक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं बाय मिलनेज थॉमसन मेथड। नाउ बाय मिलनेज थॉमसन मेथड, यदि हम यहाँ पर मिलनेज थॉमसन मेथड को यूज करें तो मिलनेज थॉमसन मेथड आपका होता है यहाँ पर इमेजिनरी के केस में एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन साई वन जेड जीरो, और यहाँ पर प्लस होता है फॉर्मूले में साई टू जेड जीरो, और ये हो जाएगा आपका साइन टू जेड जीरो डी जेड और प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। साइन वन की वैल्यू आपकी माइनस टू है तो यहाँ पर माइनस टू हम रख देंगे। साइन टू की वैल्यू है टू अपॉन जेड, यानी कि आई इंटू टू अपॉन जेड और प्लस वन, और ये बाहर डी जेड और प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। अब आपको ये सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस टू वन का इंटीग्रेशन जेड प्लस आई, ये आपका होगा टू वन अपॉन जेड का लॉग जेड और प्लस वन का जेड, ठीक है, और प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, तो ये जो हमने सॉल्व करके निकाला है यही हमारा यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, यदि आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन हो। ओके, एक क्वेश्चन और देखिए, वी वाला लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा आज के लेक्चर का। इसमें आपको वी गिवन है और आपको एनालिटिक फंक्शन निकालना है, तो ई की पावर एक्स जो है, e की पावर x जो है ये आपको गिवन है, गिवन v इक्वल टू e की पावर x साइन y। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट हमें गिवन है, अगर आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन हो तो इमेजिनरी पार्ट गिवन होने पर, इमेजिनरी पार्ट गिवन होने पर मैंने आपको बताया था कि पहले v का हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले हम क्या करेंगे v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहां पर करेंगे, यदि आप v का y के रेस्पेक्ट में करते हो तो e की पावर x कांस्टेंट होगा, साइन y का हो जाएगा cos y, है ना, इसको हम साइन वन एक्स वाई मान लेंगे से, फिर v का हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन y आपका कॉन्स्टेंट होगा, है ना, और e की पावर x का e की पावर x, इसको हम साइन टू एक्स वाई मान लेंगे से। फिर हमें रूल ये कहता है कि हम यहाँ पर पुट करेंगे x को z एंड y को जीरो, वी गेट x को z y को जीरो रखने पर फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू निकलेगी, e की पावर z cos 0, यानी कि e की पावर z आएगी, है ना, और फिर हम sin 2 z 0 फाइंड करेंगे x को z y को 0 रखने पर, e की पावर z और sin 0 आपको मिलेगा, sin 0 0 होता है तो सारी वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एनालिटिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, नाउ बाय मिलनेज थॉमसन मेथड। मिलनेज थॉमसन मेथड को अगर आप यूज करते हैं तो फॉर्मूला होता है एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई वन जेड जीरो और प्लस आई साई टू जेड जीरो डी जेड और प्लस सी। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे सारी, साई वन जेड की वैल्यू है ई की पावर जेड, साई टू की वैल्यू जीरो है तो ये आपको ई की पावर जेड ही मिलेगा खाली, और ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड होता है, और यही हमारा यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक कंजुगेट और एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना, वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन कराया था, और यहाँ पर आपने देखा कितना इजीली हो गया, है ना, कितना इजीली आपका मिलन थॉमसन मेथड को यूज करके हो गया। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको दो केस बताए, यदि आपको क्वेश्चन में यू दिया हो यानी कि रियल पार्ट गिविन हो केस वन, यदि आपको वी पार्ट गिविन हो यानी कि केस टू।
अब इसमें केस थ्री और केस फोर में इन दोनों केस का यूज होगा, तो इसको आप याद रखिए क्या केस होते हैं, कैसे इसमें चलते हैं, तब मैं आपको जो केस नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, सॉरी नेक्स्ट आपको लेक्चर लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको केस थर्ड केस फोर्थ कराता हूँ,